हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर कावेरी हालदार और आज हम बात करने वाले हैं स्किन के बारे में। जानेंगे कैसे दूर करें डार्क सर्कल, अपनी स्किन में होने वाली रफनेस को कैसे दूर करें, पिंपल्स एक्ने को कैसे दूर करें। जानेंगे ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसको खाने से हमारी स्किन और भी ज़्यादा खूबसूरत ग्लोइंग हो सकती है। तो आज बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, तो अब तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस करना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं होम्योपैथी में वो कौन सी मेडिसिन है जिसको लेकर के आपकी स्किन की प्रॉब्लम दूर हो सकती है और कौन सी वो डाइट है जिसको लेकर के आपकी स्किन और भी ज़्यादा खूबसूरत यंग बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं डाइट के बारे में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, ज़्यादा भरपूर मात्रा में पानी पीना, क्योंकि वही हमारी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोइंग बनाती है और हेल्दी बनाती है। एक अच्छा खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो पूरे विटामिन और न्यूट्रिशन से भरपूर हो। आप केला खाइए, मौसम्बी खाइए, संतरा खाइए, अनार लीजिए, एप्पल खाइए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। साथ में आप दही खाइए और पानी भरपूर मात्रा में पिए, क्योंकि पानी हमारी बॉडी के क्लींजिंग का काम करती है। और एक अच्छी नींद भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नींद भरपूर लेते हैं, अच्छी नींद आपकी होती है, तो भी आपकी स्किन मोर ग्लोइंग बनती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जानते हैं स्किन प्रॉब्लम और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डार्क सर्कल। अगर आपको डार्क सर्कल किसी स्ट्रेस के वजह से हुए हो, बहुत दिनों से आपके माइंड में कुछ परेशानी चल रही हो और धीरे धीरे डार्क सर्कल आपको हो रहे हो, आंखों के नीचे काले घेरे बन रहे हो, गड्ढे पड़ रहे हों, तब आप स्टेफिस एग्रिया लीजिए। स्टेफिस एग्रिया बहुत ही मेडिसिन है डार्क सर्कल के केस में, जब आपको टेंशन की वजह से डार्क सर्कल हो रहे हो। अगली मेडिसिन की बात करते हैं। अगर आपको कमजोरी वीकनेस की वजह से डार्क सर्कल हो रहे हो, आप कमज़ोर हैं, शरीर में खून की कमी भी है और आपको डार्क सर्कल पड़ रहे हैं, तो आप पैरामेट लीजिए। पैरामेट आपके शरीर में खून को बढ़ाने के साथ साथ आपके डार्क सर्कल को भी पूरी तरीके से ठीक कर देगी। इसमें अगली मेडिसिन की बात करते हैं। अगर न्यूट्रिशन की कमी के कारण आपको डार्क सर्कल हो रहे हो, खाना कुछ भी खाया शरीर में ना लगता हो, ऐसी कंडीशन में अगर आपको डार्क सर्कल हो रहे हैं, तो आप फास्फोरस लीजिए। फास्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगली मेडिसिन की बात करते हैं। अगर आपके चेहरे पे पीले पीले धब्बे पड़ रहे हो, पीले या भूरे रंग के धब्बे, तब आप सीपिया लीजिए। सीपिया से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगली मेडिसिन की बात करते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ है, ड्राई है और उभरी हुई खुरदुरी है, तो आप सल्फर लीजिए। सल्फर से आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपकी स्किन पे वाइट पैचेस पड़ रहे हो, ब्लू पैचेस पड़ रहे हो, मतलब सफ़ेद और नीले रंग के धब्बे पड़ रहे हो, तो आर्सेनिक एल्बम लीजिए। ये आर्सेनिक एल्बम लेने से आपकी ये धब्बों की परेशानी दूर हो जाएगी। जब आपके बॉडी से मेंसेस के टाइम पे अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती हो आपको, या किसी लंबी बीमारी के चलते कमज़ोरी आ गई हो, उस कंडीशन में आपको डार्क सर्कल पड़ गए हो, तो चाइना आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। चाइना आप ले सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे पुराने कोई निशान हैं, जो पिंपल के निशान कह लीजिए आप, अगर आपके चेहरे पे पुराने हैं इस तरीके के निशान, तो आप साइलिशिया लीजिए। साइलिशिया लेने से ये कितने भी पुराने निशान क्यों नहीं हो, वो साफ़ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। अगर आपको स्किन का कलर साफ़ करना हो, जो बहुत ही ज़्यादा सांवले हो और जिनकी स्किन बहुत हार्ड हो, तो वो अगर स्किन का रंग साफ करना चाहते हैं, तो सारसा पैरेला उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको टेंशन से गुजर रहे हैं और उसका मतलब
दर्द बहुत ज्यादा है, उसके कारण अगर आपको डार्क सर्कल पड़ने लगे हैं, टेंशन किससे रिलेटेड, किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड टेंशन अगर आपको है, तो फिर अगर डार्क सर्कल पड़ रहे हैं आपको, तो नाइट्रोम्योर आपके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके स्किन पे, फेस पे, कहीं पर भी अगर बहुत ही गंदे टाइप के धब्बे, कह लीजिए थोड़े मटमेले टाइप के या बैगनी टाइप के धब्बे अगर आपको पड़ रहे हैं, तो सीकल कॉर आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन। आप सीकल कॉर लेंगे तो ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। इन सब के साथ बर्बेरिस एक्वाफोलियम तो है ही स्किन के लिए बेस्ट मेडिसिन। अगर आपको अपना कॉम्प्लेक्शन फेयर करना है और साथ में आप हेल्दी स्किन चाहते हो, तो बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर बहुत ही अच्छी है। साथ में इसकी क्रीम भी आती है, आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी मेडिसिन हर कंडीशन के लिए बेस्ट है, स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट है। साथ में आप अच्छा डाइट लें। अगर आपके स्किन रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।